हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मॉक टेस्ट पेपर 9 की, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले प्रश्न में सूची मिलान है। सीमांत गांधी बोलते हैं अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नेहरू जी को बोलते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय हैं और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अब इस हिसाब से आप ऑप्शन मिला लीजिए। ए का ऑप्शन हो गया 5, बी का ऑप्शन हो गया 3 और इसके बाद सी का ऑप्शन हो गया 1। ए का 3, बी का 3, सी का 1, ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अस्पा एंड सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ये प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसे एक और नाम से जाना जाता था, वो था उलुग खां। इसे जिस दूसरे नाम से जाना था वो था उलुग खां। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने की थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको बता दें, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ था 510 ईस्वी में प्राप्त हुआ था और ये एरण से प्राप्त हुआ था, ग्रंथ से। और इसमें जो चर्चा की गई है वो एक सैनिक है गोपराज, उसकी पत्नी सती प्रथा के तहत सती हो गई थी, उसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी या फिर समस्तीपुर। महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी राजगीर में हुई थी, ये याद रखिएगा। और ये 72 वर्ष की उम्र में एक्सपायर हो गए थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? इसने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी हुई है, ये था लुई फिशर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। मात्र 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के नाम से पेपर हुआ करता था, वो निकाल लिया था। फिर बाद में 1938 और 1939 दो कांग्रेस के अधिवेशन में ये अध्यक्ष भी रहे थे। फिर महात्मा गांधी से कुछ अनबन हो गई थी तो इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के रूप में अलग पार्टी बनाई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री, तो सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे थे भीमराव अंबेडकर, उन्हीं को विधि मंत्री बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय व्यापार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? ये चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। कुछ चाय वगैरह और चाइना से इनका कुछ जो प्रोसेस था उसको छोड़ के इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? पृथ्वी को अगर आप अंतरिक्ष से या कहीं से देखते हैं तो ये ब्लू नज़र आती है, इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुका है, कौन सा पर्वत हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है? कुनलुन है, कराकोरम है, हिंदकुश है, अरावली हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, साथ में एक मोड़दार पर्वत भी नहीं है। पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा मोड़दार पर्वत नहीं है, तो उसमें भी अरावली नहीं आता है। भारत के दक्षिणी छोर या दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? साउदर्न टिप का नाम क्या है? तो ये निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट को दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? जल संभर, जल विभाजक, तराई, दोआब। दोआब बोलते हैं, दो नदियों के बीच उपजाई भूमि को दोआब बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव या फिर भारत का प्रधानमंत्री। भारतीय वित्त सचिव जो होते हैं, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, उनका सिग्नेचर होता है 1 रुपये के नोट पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 2004-05 में, 2001 में, 95-96 में, 98-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। इसके तहत किसान को सहूलियत होती है, उसको जो धन मिल जाता है उसके तहत उसको सहूलियत हो जाती है पैदावार आदि करने में। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? आयकर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, GST। GST मुख्य है, इससे सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो मिलता है राजस्व का वो GST से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू की गई है? 1 अप्रैल 1957 से शुरू की गई थी।
अगला प्रश्न है, नई अर्थव्यवस्था विकास नीति यानी EDP के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को किस जगह उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ किया गया? ये शुभारंभ मिजोरम में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार नहीं रहा? तो ये संविधान संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन था? ये संविधान संशोधन था 44वां। और अब संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार हो गया और ये आर्टिकल 300A में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ये DPSP में यानी राजनीति के निदेशक सिद्धांत में है, ये भाग 4 में आता है, आर्टिकल 36 से 51 तक। तो इस चीज़ को याद रखिए कि जो भारतीय संविधान में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, राजनीति के निदेशक सिद्धांत में आता है, जो कि संविधान के भाग 4 में। लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, आप एक जगह बैठ के सरकार नहीं चला सकते हैं, छोटी छोटी जगहों पर सरकारें होनी चाहिए, जैसे ग्राम प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसके बाद विधायक है, सांसद है, इस तरीके से चीज़ें मिलकर बनती हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं कर सकते हैं, सब मुख्यमंत्री सब कुछ नहीं हो सकता है, तो इसलिए विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से, लोकल गवर्नमेंट से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम अपीली न्यायालय, जाहिर सी बात है सबको पता है सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर आप जाकर अंतिम अपील कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप अपनी अंतिम अपील कर सकते हैं। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से, ध्वनि को माध्यम चाहिए, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए निर्वात से नहीं गुजर सकती। कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता तो रैंडम ओनली मेमोरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? फार्मिक, मेलिक, परकोलिक, नाइट्रिक। जो आपको चुभन होती है, जलन होती है, वो फार्मिक एसिड की वजह से होती है जब चींटी काटती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी जांग में फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी कान में स्टेपीज होती है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक ग्रैंडबेंटिक, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या फिर लुई पाश्चर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किया था, चेचक एक विषाणुजनित रोग है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, जबकि चेचक एक विषाणुजनित रोग है। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जून 2021 में संपन्न ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया? तो ये पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था आपका साउथम्पटन में, लॉर्ड्स में, एजबेस्टन में, ओवल में, तो इंग्लैंड में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। और इंग्लैंड में कौन सा मैदान है, ये आपको अच्छे से पता है। इंग्लैंड में मैदान है एजेस बाउल साउथम्पटन में, इंग्लैंड में खेला गया था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एजेस बाउल साउथ, ये आप गलत कर सकते हैं। और फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से पराजित करके खिताब जीत लिया था, ठीक है। और इसमें जो तेज गेंदबाज माइकल जेमिनसन थे, वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। 52वां नंबर क्वेश्चन है, 7 मई 2021 को किसने पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? 7 मई 2021 को ऑल इंडिया NR कांग्रेस AINRC के संस्थापक N रंगास्वामी ने केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, N रंगास्वामी। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 30वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? नाशिरा शर्मा, प्रोफेसर शरद पगारे, सुरेंद्र शर्मा या फिर गोविंद मिश्र। तो आपको बता दें, ये शरद पगारे को मिला है 30वां व्यास सम्मान, और ये इनके उपन्यास पाटिल पुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। प्रोफेसर शरद पगारे को पाटिल पुत्र की सामग्री के लिए दिया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2021 में विकसित डिप्को वैन क्या है? ये COVID-19 की एंटीबॉडी के लिए डिटेक्शन किट बनाई गई है। किसने बनाई है? DRDO ने बनाई है। मार्च 2021 में संपन्न भारत की पेशेवर फुटबॉल लीगों में से एक हीरो इंडियन सुपर लीग ISL 2020-21 का खिताब किसने जीता? ये मार्च 13 2021 को संपन्न हुई थी, और इसका खिताब जीता था मुंबई सिटी FC ने। और किसको हराया था? ATK मोहन बागान को हराया था। तो मुंबई सिटी FC ये विजेता थी और ये उपविजेता थी, और पहली बार इस लीग का खिताब जीत पाई है मुंबई सिटी FC। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
जून 2021 में किस राज्य में कोविड 19 संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई, ये योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड राज्य द्वारा। किस राज्य द्वारा? उत्तराखंड राज्य द्वारा। इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों का भरण पोषण शिक्षा रोजगार के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये भत्ता के रूप में प्रदान करेगी। कितने रुपये? 3,000 रुपये। मई 2021 में फ्लोरिडा में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 में किसे मिस यूनिवर्स चुना गया? जूलिया गामा, एडलिन कास्टेलियो, एंडिया मेजा या फिर जोजबिनी टुंजो? तो आपको बता दें, फ्लोरिडा यूएसए में जो 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी उसमें मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स चुना गया था, जबकि भारत की एडलिन कास्टेलियो चौथे स्थान पर रही थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2021 में भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पावड़िया को कहाँ स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2021 में भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पावड़िया को वियना ऑस्ट्रिया स्थित INSB इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। ये पहली भारतीय हैं और दूसरी महिला हैं, पहली भारतीय महिला हैं और वैसे अध्यक्ष के पद पर दूसरी बार कोई महिला चुनी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। पुस्तक टिल वी विन के लेखक कौन है? टिल वी विन, इसका इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड 19 पैंडेमिक, इसका पूरा नाम है टिल वी विन, जब तक हम न जीत जाएं, इंडियाज फाइट अगेंस्ट, भारत लड़ती रहेगी अगेंस्ट द कोविड 19 पैंडेमिक, कोविड 19 महामारी के। इसके लेखक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया और डॉक्टर गगनदीप कांग, ये तीनों ने ये बुक मिलके लिखी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया, यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर में किया था, थोबल नदी स्थित है, वहीं पर इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था, थोबल नदी के पास इस परियोजना का उद्घाटन मणिपुर में अमित शाह ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे पहली द लेडी विलिंगटन पार्क में रूप में जाना जाता था? पहले इसका नाम द लेडी विलिंगटन पार्क हुआ करता था, कौन सा पार्क है? लोधी गार्डन्स को द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? तो ये एक नाटक है जिसको आप ड्रामा भी कह सकते हैं, ना तो ये उपन्यास है, ना ये कविता है, ना ये कहानी है, और इसको कालिदास ने लिखा है, जिसमें किसके बारे में चर्चा की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में? अभिज्ञान शाकुंतलम में चर्चा की गई राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम विवाह, विरह, पुनर्मिलन, इन सबको डिस्कस किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? भारत रत्न तो शिक्षा साहित्य इन सब चीज़ों में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है ये यूनाइटेड किंगडम में जो पुस्तकें अंग्रेजी साहित्य में अंग्रेजी उपन्यास लिखे जाते हैं उनको बुकर पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संस्था ने अक्टूबर 2 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व शांति मंच, गांधी शांति प्रतिष्ठान या फिर यूनेस्को? संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA, इसने जो है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किया है। ये महात्मा गांधी की जयंती है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो आप और क्या क्या बता सकते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अभी हाल में 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, मोतीलाल नेहरू की बेटी थी, वो बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित। और कब बनी थी? 1953 में, देख लीजिए 1953 है या 1956 है, बस ये याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विश्व की पहली महिला अध्यक्ष भी थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, मत भूलिएगा। और इस समय वर्तमान के अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला साहिद। ये सत्र चल रहा है 76वां। मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो किस देश की राजधानी? मोजाम्बिक की है। अगर हम बात करें घाना की राजधानी क्या है, तो घाना की राजधानी अक्रा है, अगर बात अंगोला की करें तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी गुआंडा है। और अगर बात सेशल्स की करें तो इसकी राजधानी क्या है, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया हो गई, अक्रा हो गई, लुआंडा हो गई और मोजाम्बिक मपूतो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगल को कहा जाता है, जबकि सरोजनी नायडू को नाइटिंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये बात कार्ल मार्क्स ने कही थी। ये बवाली लोग ही थे, धर्म को मनुष्य के लिए अफीम बता रहे हैं। कोई काम जिसमें इंसान एक तरीके से संयमित रहता है, अनुशासित रहता है, वो नशे के समान हो सकता है, ये एक कार्ल मार्क्स ही सोच सकता है। किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? मिनिमम सदस्य 60 हो सकते हैं और मैक्सिमम सदस्य 500 हो सकते हैं। विधानसभा का मतलब जिसके तहत आप विधायक और मुख्यमंत्री का आदि का निर्वाचन करते हैं उसके तहत। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।